कर्नाटक हज भवन में इस वक्त हम मौजूद हैं और कर्नाटका हज भवन में तैयारियां चल रही हैं क्योंकि हज 2023 की तैयारियां बिल्कुल तेज़ हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं चेयरमैन के चैम्बर में, जहां पर एक ख़ास चीज़ ये रही है कि चेयरमैन जैसे ही सरकार बदली है तो यहां का जो पोस्टर था वो बदल चुका है। यानी पहले यहां चेयरमैन साहब के पीछे नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर थी और यहां पर सीधे तरफ में जो है यहां जहां मदीने की तस्वीर इस वक्त चिस्पा है, यहां पर यहां के जो स्टेट में सीएम है उनकी तस्वीर थी और दीगर यहां के जो बीजेपी के मिनिस्टर थे उनकी भी तस्वीर थी। आइए इस सिलसिले में बात करते हैं और बहुत सारे तफसीलात जो है चेयरमैन साहब से लेते हैं। सब आपका इस्तकबाल है, आप जो हैं सरकार बदल चुकी है और यहाँ की तस्वीरें भी बदल चुकी हैं, क्या मामला है? देखिए, पहले सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और उस भारतीय जनता पार्टी सरकार में मुझे कर्नाटक स्टेट का चेयरमैन बनाया गया था। तो मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का फ़ोटो, इसके पीछे जो मेरा बैकग्राउंड है वहाँ पे हमने नरेंद्र मोदी जी का फ़ोटो लगाए थे और उसके साथ साथ बाजू में जो है हमारे मंत्री मुख्यमंत्री वगैरह का था। तो जैसे सरकार हमारी कर्नाटक की जो बदल गई, उसके बाद हज का भी हमारा कैंप स्टार्ट हो रहा है तो क्यों ना मदीना मुनव्वरा और मक्के की फ़ोटो लगाएं, तो इसलिए फ़ोटो भी लगवा दी है। और दूसरी बार सरकार भी बदल चुकी है। सर रूप साहब ये बताएं, हज का जो मौसम है वो पिछली बार भी था, आप ये तस्वीर पिछली बार भी लगा सकते थे, इस बार ही क्यों? नहीं, पहला बार ऐसी थी कि अभी हमारे हज भवन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अंडर प्रोसेस है कंस्ट्रक्शन, अभी काफ़ी कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, इंटीरियर का भी काम बाकी है, तो इंटीरियर का भी काम बाकी था तो हमने लगा दिया था मोदी जी की फ़ोटो। और अभी हज का कैंप भी स्टार्ट हुआ, इसलिए बेहतर यही रहता कि हमारे हाजियों को मदीना मुनव्वरा और मक्के की तस्वीर लगाए, तो ये हज भवन के लिए भी शोभा की। अच्छा, पिछली बार जब आप तस्वीर लगाए थे बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन भी कर रहे थे कि हज भवन में जो है आप तस्वीरें लगाने के बजाय मक्का मदीने की तस्वीरें लगाने चाहिए, इस तरह से तस्वीरें नहीं, बड़ी बड़ी तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए, तो उस वक्त भी ऑब्जेक्शन हुआ था? नहीं हुआ था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होते हुए उनकी मैंने तस्वीर लगाई थी, ऐसी कोई बात नहीं। जो भी एक प्रोटोकॉल होता है, देश की प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चाहे गवर्नर हो, और वक्त के हिसाब से जो मुख्यमंत्री जो गवर्नर होते हैं उनकी तो एक प्रोटोकॉल के मुताबिक उसकी फ़ोटो लगवाते हैं। और लेकिन पीएम तो आज भी हैं? नहीं हैं तो बिल्कुल ठीक है, ये भी बात सही है। बेहतर ये होता कि इस समय इस हाजियों के लिए ये फ़ोटो शोभा देती, बोल के मैंने इस फ़ोटो को चेंज करवा दिया है। बिल्कुल, एक बात ये बताएं, जैसे ही सरकार बदलती हैं, जैसे आप बीजेपी की तरफ से बनाए गए थे, जैसे सरकार बदलती है तो बहुत सारे जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो खुद ही रिज़ाइन कर देते हैं कि भाई हमारी सरकार नहीं है, हम इस वक्त आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन आपकी तरफ से क्या रद्दअमल है? नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का पिछले 25 साल के ऊपर हो गया कार्यकर्ता होते हुए मैंने काम किया हूँ, आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही हूँ। मुझे 3 साल का इलेक्शन मैंने इलेक्ट हुआ हूँ, एक जिसमें 3 साल के लिए इलेक्ट होता है, मैं चुनाव लड़ा हूँ, चुनाव में मेरे सामने पीएम फारूक थे जो एमएलसी, उनको मैंने 2 वोट से हरा के जीत हासिल की। और ये पीरियड होता है 3 साल का, किसी की भी सरकार रहो 3 साल का पीरियड होता है, 3 साल जब मेरे कंप्लीट हो जाएंगे तो मेरा पीरियड भी ख़त्म हो जाएगा। अभी लगभग 1.5 साल हो चुके हैं, अभी 1.5 साल बाकी है, अभी 1.5 साल हमारा समय है, हम काम करेंगे, हाजियों की खिदमत करेंगे अच्छे से अच्छा उनको। लेकिन आपको सिर्फ 1.5 साल ही बचा था जब आप चेयरमैन बने थे, क्योंकि आप देर से बने थे तो उसमें बताया जा रहा था कि 1.5 साल के लिए ही आपकी कमेटी है। नहीं नहीं, देखिए उन्होंने जो नोटिफिकेशन किया था 2020 में तो लगभग 23 में वो पीरियड ख़त्म होता था जनवरी में, लेकिन क्या हुआ कोविड की महामारी की वजह से अक्सर मीटिंग पोस्टपोन होते गए और मीटिंग्स नहीं हुए और इलेक्शन नहीं हुआ, तो लगभग वो 1.5 साल उसी में गुजर गया, तो हमारी कमेटी भी काम नहीं की और हमारी कमेटी की कोई मीटिंग भी नहीं हुई। तो जिस दिन से हमारी कमेटी का जो इलेक्शन जीते हम उसी दिन से कंसीडर करने के लिए बता रहे हैं। देखिए जिस दिन हमने जब नॉमिनेट हो चुके थे, हमने मेंबर के रूप में नॉमिनेट हुए लेकिन काम नहीं किए, हम हज भवन में कदम नहीं रखे, हज भवन से कोई हमारा काम संबंध नहीं था, जब तक चुनाव नहीं होता है, जब तक चेयरमैन नहीं बनता है
तब तक कोई काम शुरू नहीं होता जब तक कोई मीटिंग भी नहीं होती। तो फर्स्ट जो हमारा 7 जुलाई 2021 में जो हमारा चुनाव हुआ, तो उससे लेके उस समय से लेके आने वाले 7 जुलाई 2024 में मेरा पीरियड 3 साल ख़त्म होते हैं। तो 1.5 साल हमने काम नहीं किया था और 1.5 साल कोई काम भी नहीं हुआ था और 1.5 साल मीटिंग भी नहीं हुई थी, 1.5 साल इलेक्शन भी नहीं हुआ था। तो जिस दिन इलेक्शन हुआ, हमारा इलेक्ट हुआ, तो उस समय से लेके आज की पीरियड तक लगभग 1.5 साल कम्प्लीट हो रहा है, अभी 1.5 साल बाकी है। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि आपने कोर्ट से कुछ पहले से ही स्टे लेके रखा है, ये क्या सही है? हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है कि मैंने कोर्ट को गया था, कोर्ट में ने बताया कि मैं जनवरी में मेरा पीरियड ख़त्म होता बोल करके डेट ऑफ मेंबर की नोटिफिकेशन पे था। तो मैं तो ऑलरेडी मैं सेक्रेटरी को मुख्यमंत्री को लेटर लिख दिया था कि भाई आप नोटिफिकेशन जो किए थे, उस नोटिफिकेशन होने के बाद 1.5 साल तक चुनाव नहीं हुआ, 1.5 साल तक हमने इलेक्शन नहीं कराए और कमेटी काम भी नहीं की और हम लोग भी कुछ नहीं कर पाए थे। तो हमने लेटर लिखा था, चिट्ठी, तो वो तो हुकुम CM साहब को भी हमने दिया था। और उसके साथ साथ मैं फिर क्यों कोई प्रॉब्लम ना आए बोल के मैंने कोर्ट में उसको डाला था। वो स्टे ऑर्डर भी मिला है, स्टे ऑर्डर तो जनवरी में मिल गया हमें, तो जनवरी में ऑलरेडी स्टे ऑर्डर मिला है कि जैसे कमेटी पहले चल रही है उसी तरह कमेटी चलना है, कमेटी को कोई डिस्टर्ब नहीं करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी चल रही है और मुझे भरोसा है आने वाले जुलाई 2024 तक हमारी कमेटी काम करेंगी। अच्छा, जो एलिगेशंस आपके ऊपर लगे थे पिछले दिनों, आपके ही मेंबर लगाए थे, बहुत सारे कंप्लेंट्स हुए थे, वो सारे चीज़ें कहाँ तक आए हैं? नहीं, वो तो जब का जब हमारी सेक्रेटरी मणिवंडन जी थे और हमारे मेंबर्स EO बैठ करके उस मीटिंग में उसको सॉल्व किए कि आरोप यही थे कि भाई हम लोग मेंटेनेंस के टाइम में वाशरूम्स बराबर नहीं हुए थे और लोगों को बहुत उससे प्रॉब्लम्स आए थे रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। उस तरह का छोटा मोटा माइनर प्रॉब्लम था, उसको ने सेक्रेटरी हमारे मणिवंडन मिल करके सॉल्व किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सभी कमेटी के लोग मिल करके अब काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम हो रहा है। बहुत शुक्रिया। ये थे रऊफुद्दीन कचेरी वाला साहब, जिनकी कचेरी आपने देखी किस तरह से सरकार बदलते ही किस तरह से जो है पोस्टर्स भी बदल गए। इनके बिल्कुल पीछे वो पोस्टर हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ मक्के का जो है फ़ोटो लगाया गया है और सीधे तरफ जो है मदीने की फ़ोटो लगाई गई, जहाँ पे वज़ीर आला बसवराज बोम्मई और वगैरह दूसरे की जो BJP के ज़िम्मेदारान हैं और सरकार उस वक्त के सरकार के जो ज़िम्मेदारान थे उनकी तस्वीरें थी। बहरहाल उसकी वजाहत उन्होंने की है कि किस तरह से उन्होंने ये सारा काम किया है और वो किस कब तक इनके चेयरमैनशिप बाकी, उस ताल्लुक से भी उन्होंने बताया। कोर्ट से इन्होंने रिलीफ भी हासिल कर ली है, अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से काम होता है। बहरहाल हज भवन में पूरे ज़ोर शोर के साथ हज की तरबियती कैंप हो या हज को जाने के लिए जो कैंप लगाए जाते हैं, वो बहुत ही शानदार तरीके से मुनक्कद किए जाने वाले हैं।